शायद हमारे साथी यहाँ बैठे नहीं जाते, शंकर जयकिशन एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर थे। पंडित जी को कहा था किसी ने कि पंडित जी आप हिंदी का जो है ना बहुत दूर तक साउथ में लेके जाना चाहते हैं। ही वॉज द ओनली म्यूजिक डायरेक्टर, जब वो उसका पिक्चर चलती थी तो साउथ में लोग कैसे देखते। अच्छा, उसके बाद युग आया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, उसके बाद युग आया आर डी बर्मन, फिर उसके बाद युग बदलते रहे, लेकिन एक सदाबहार म्यूजिक डायरेक्टर सिंगर जो अननोन थे और बहुत कम लोगों को जिनके बारे में इत्तेफाक था, लेकिन वो वेस्ट बंगाल के जहां संगीत की जड़ है वहां से थे, उनका नाम है हेमंत कुमार। तो हेमंत कुमार के गाने जो थे ना वो डार्क हॉर्स की सीरियसली, और उनका म्यूजिक भी बहुत अनुभव। उस म्यूजिक के ऊपर तरोताजा करने के लिए मैं गुजारिश करूंगा मनोज चैत्रा को कि वो उनकी पिक्चर खामोशी की एक गजल। अच्छा, क्योंकि 1978 में खामोशी फिल्म बनी थी, किशोर कुमार जी के द्वारा गाई हुई गजल, गुलजार जी के द्वारा लिखी हुई और हेमंत कुमार जी के द्वारा स्वरबद्ध की हुई गजल के वो शाम कुछ अजीब थी। यस, सीरियस गजल सी, बड़ी सीरियस गजल सी, वो शाम भी अजीब। कुछ अजीब ये शाम भी अजीब है, ओ कल भी पास पास थी वो आज भी अजीब है, वो शाम कुछ अजीब ये शाम भी अजीब है, वो कल भी पास पास थी वो आज भी अजीब है, वो शाम झुकी हुई हसीन सा गुलाल था, मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना रही है वो, मैं सोचता था मेरा नाम गुनगुना कुछ अजीब थी।
मेरा ख्याल है अभी जो की हुई निगाह में। खिली हुई हंसी भी है दबी हुई सीचाह में। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। मैं जानता हूँ मेरा नाम गुनगुना रही है वो। यही छाया है मुझे के साथ आ रही है वो शाम। कुछ अजीब थी ये शाम भी अजीब है वो पल भी पास पास थी वो आज भी करीब है वो शाम। कुछ अजीब थी बहुत ही। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड।